मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के निजी होटल में छत्तीसगढ़ वेंट रन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित छत्तीसगढ़ वॉरियर्स स्काउटेड के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स स्काउट के लोग तथा पोशाक को लॉन्च करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के माध्यम से खेल जगत में राज्य को विशिष्ट पहचान मिली है। क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है, शहर से लेकर गांव तक भी लोग इसे बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को आगे ले जाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत की है, इससे इनकी प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है। आज खेल के क्षेत्र में भी भारत के काफी मेडल आने लगे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ वॉरियर्स नाम की टीम की तैयार की गई है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र खनिज और वनोपज से भरपूर है। यहाँ राज्य कला साहित्य तथा सांस्कृतिक आदि के क्षेत्र के में आगे है। अब छत्तीसगढ़ वॉरियर्स से खेल जगत के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इनमें नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। साथ ही खेल के आधारभूत संरचना को तेजी से निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ वॉरियर्स सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। इसके बीच कुल 18 मैचेस आयोजित होंगे। इसके आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके श्री यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी, डेवन स्मिथ आदि खिलाड़ी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा तथा रूपेण परिहार, योगेश अग्रवाल, प्रवीण त्यागी, सदत घोष सहित क्रिकेट जगत से जुड़े खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। लोगों लॉन्च किया जाए।